दिवांशु, जहां एक तरफ सदन की आज आखिरी कार्रवाई थी, अंतिम दिन था, वहीं सपा विधायकों ने वॉकआउट किया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, मुझे भी आपको बता दें कि आज सदन का आखिरी दिन था, पांचवा दिन था। उससे ठीक पहले जो समाजवादी पार्टी यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसके तमाम नेता आज विधानसभा का बायकॉट किए हैं। उनका साफ तौर पे आरोप है कि जो मुद्दों का जवाब मांग रहा है विपक्ष, उसको देने में कहीं ना कहीं विफल रहा है पक्ष, यानी कि तत्कालीन सरकार पर उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है कि जो भी चीजें उनसे पूछी जा रही हैं, जो मुद्दों की बात की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार के साथ, सरकार के जो मुद्दे हैं उसकी जवाब नहीं दे रही है, इसकी आरोप लगाते हुए ये कहा गया है। साथ ही आपको बता दें कि आज विधानसभा जो पैदल मार्च करते हुए विधायक और साथ ही साथ सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज पार्टी दफ्तर से निकलकर और विधानसभा तक वो पैदल मार्च कर रहे थे। उस दौरान उस मार्च को रोक दिया गया है और अभी अगर बात करें तो जहां तमाम विधायक, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार की तरफ से जो मुद्दों की बात की जा रही है, जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे का रुख क्या होता है। अभी जो विधानसभा की कार्रवाई है उसको बायकॉट किया गया। जी जी, धन्यवाद भुवंशु तमाम जानकारियों के लिए। बाहर सपाइयों का प्रदर्शन जारी है, सपा विधायक सड़क पर उतरे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा ने विधानसभा से वॉकआउट किया। सपा कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अखिलेश यादव अचानक सड़क पर उतरे, विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। सपा कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया है, इस वक्त की लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अखिलेश यादव अचानक सड़क पर उतरे, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम एक बार फिर रुक करेंगे विभांशु का। विभांशु, सपा विधायक सड़क पर उतरे हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी मैं भी आपको बता दें कि जो नेता प्रतिपक्ष है, उनका साफ तौर पे आरोप है कि जो सरकार है वो उनके जो उनके सवाल है उनका जवाब नहीं दे रही है, जिसको लेकर आज वॉकओवर किया गया है विधानसभा का। और वहीं आपको बताएं कि उनकी तरफ से साफ तौर पे आरोप लगाया गया है कि हमने सरकार से जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब नहीं मिला है। साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि विधानसभा की सत्र जो पाँच दिनों का रखा गया है, इसमें उन्हें सवाल पूछने का, मुद्दों पर बात करने का वक्त नहीं मिला है और इसको आगे बढ़ाने की बात कही गई है। चूँकि अगर देखा जाए तो एक दिन का जो पहला सत्र का दिन होता है वो निकल जाता है, उसके ठीक बाद चार दिनों का सत्र बचा था, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम जो सवाल थे, जो ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो तमाम उनके सवाल थे उनका जवाब नहीं मिल पाया, जिसको लेकर वो आज जो विधानसभा का सत्र है उसका वॉकआउट किया है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मौजूद हूँ, जहाँ भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं साथ ही साथ विधायकगण हैं वो बायकॉट करके, वॉकओवर करके यहाँ मौजूद हैं।
और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो सरकार से ये सवाल पूछ रहे थे, जिन जवाब मांगना चाह रहे थे मगर उसे मिला नहीं, यहाँ तमाम कार्यकर्ता हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज का जो वॉकओवर किया गया उसका क्या वजह है। आज विधानसभा के आखिरी दिन सत्र का वॉकओवर किया गया है, आप लोग कार्यकर्ता के तौर पर प्रदर्शन किए हैं, आपके साथ में विधायक गढ़ थे, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज जो विधानसभा का आखिरी दिन था उसमें हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये जो धरना पैदल मार्च निकला है, ये सबसे पहले हम लोग इस पर बात करना चाहते हैं सदन में कि बेरोजगारी, महंगाई और क्या कहते हैं महिला उत्पीड़न और स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बदहाल हो चुकी है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ना कोई आवाज़ उठा रही है और ना हम लोगों को आवाज़ उठाने दे रही है। मैं आप लोगों को दो दिन की बात बताता हूँ, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, छात्र राजनीति करता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। सुभाष चौराहे पर हम लोग दो दिन पहले पुतला फूंक दिए माननीय योगी जी का, तो हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिए, फर्जी मुकदमे। और आप लोग विश्वविद्यालय का हाल देख ही रहे होंगे कि 400% फीस वृद्धि हो गई है और ना वहाँ की वीसी आवाज़ उठा रही हैं और ना क्या कहते हैं प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री। मैं इसका सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को देना चाहता हूँ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को प्राथमिक संविधान में प्राथमिकता दी थी शिक्षा की, शिक्षा को हमेशा उच्च रखा था, इसलिए वो कहते थे कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वही ललकारेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान का और देश के शरिया कानून का सबका हनन कर रही है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से और जनता को और देश की जनता को यह संदेश देना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करें। जी, तो आप ये भी आपने सुना कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जो मुद्दे हैं उस पर सरकार बात नहीं कर रही, इसको लेकर आज वॉक आउट किया गया है विधानसभा का और आगे भी ऐसे ही हम सवाल पूछते रहेंगे। और आप देख सकती हैं कि जो तमाम विधायकगण हैं उनके साथ जो सपा के सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, वो लगातार उनसे बात कर रहे हैं, लगातार बातचीत का दौर जारी है। इसी क्रम में हम कुछ और नेताओं से बात करेंगे। आप देख सकती हैं इनके हाथों में तख्तियां हैं जिस पर लिखा हुआ है, चीज़ों को लिखा गया है और बताया जा रहा है कि जो पुलिस का उत्पीड़न है वो नहीं चलेगा। साथ ही हम यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करेंगे। आज आप लोग विधानसभा का जो सत्र था उसके आपके नेता ने वॉकआउट किया है, साथ ही आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे मगर आपको वापस भेज दिया गया है, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश जी, ये इनके संघर्ष इनके साथ हमेशा हम लोग खड़े हैं और जीवन भर खड़े रहेंगे। ये हम लोग के छात्रों के लिए बहुत कुछ और ये कानून व्यवस्था जो चल रही है ये तानाशाही नहीं चलेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत ही खुश हूँ। जी, तो आपने सुना कि इनका साफ तौर पे कहना है कि ये अपने जो अध्यक्ष हैं उनकी बातों पर कहीं ना कहीं सहमत हैं और उसी का ये समर्थन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ जाने की कोशिश करें, पक्ष से कहूंगा कि वो दिखाएं कि अंदर अखिलेश यादव बैठ कर अब तमाम विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि पाँच दिन की जो सदन की कार्रवाई थी उसमें कहीं ना कहीं वक्त की कमी के चलते जो प्रदेश के तमाम मुद्दे थे उससे हम बात नहीं कर सके, साथ ही हमें बोलने का उचित समय नहीं दिया गया जिससे हम जो तमाम मुद्दे हैं उनके विषय में बात कर सके, साथ ही जो प्रदेश में महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सभी मुद्दों पर अखिलेश यादव बात करना चाहते थे ऐसा उनका कहना है, मगर सरकार की तरफ से उन्हें समय नहीं दिया गया, ना उनके नेताओं को समय दिया गया। वहीं आपको बताएं कि उनका ये भी आरोप लगा उन्होंने लगाया है कि हमने जो सवाल किए उसका जवाब नहीं मिला है, जिन मुद्दों पर हमने बात की है उसका जवाब नहीं मिला है। और उनका कहना है कि पाँच दिन के सत्र में इतने बड़े, जहां देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां से सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, जहां सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, ऐसी जगह पे कहीं ना कहीं जो समय ना देना जिसकी वजह से प्रदेश की जो समस्याएं हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार दरकिनार कर रही है। इसी क्रम में कुछ नेता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे, हमारे साथ एक श्रेष्ठ नेता है, हम उनसे बात करेंगे। आप कई सरकारें आप देख चुके हैं, आप पार्टी में लंबे समय से होंगे, हमें ये बताइए कि अखिलेश यादव जी की तरफ से कहा गया है कि हमें जो मुद्दे हैं उन पर हम बात कर रहे हैं उसका उचित जवाब नहीं दिया जा रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे वो तो बीजेपी वाले तो अब चकनाचूर घमंड में हैं, वो पार्टी वालों की नहीं सुन रही है, हम स्वयं सेवक संघ के आदमी हैं, जब हमारी नहीं सुनी जा रही है तो इनकी कौन सुनेगा? ये इन्हीं के आदेश है, जो ध्वस्तीकरण के आदेश दे रखे हैं, 27/3/2021 के आदेश दिए हुए हैं मेरठ विकास प्राधिकरण ने, एक साल से ऊपर हो गया इन आदेशों का विधानावलन नहीं हुआ, बताइए 10-15 कम से कम 50 बार एप्लीकेशन पार्टी कार्यालय में बीजेपी पे पहुंच चुकी है।
भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो विधायकगण है वो बाहर आ रहे हैं, अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात के बाद वो अब जो पार्टी का कार्यालय है वहाँ से बाहर आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो अंदर बैठक चल रही है विधायकों के साथ सपा सुप्रीमो का, उसमें क्या है और क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, आगे की रणनीति क्या है। हम तब कोशिश करते रहेंगे कि आखिर विधायक बताएं कि आखिर क्यों उनकी तरफ से आज वॉकआउट किया गया है। उसी क्रम में हम कुछ विधायक यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, हमें ये बताएं कि आज सदन की कार्रवाई को आप लोग वॉकआउट किया है, क्या मुद्दों को लेकर आप जवाब चाहते हैं? छात्रों के मुद्दे को लेकर 800 दिन तक आंदोलन चल रहा था यूनिवर्सिटी में, आप देखेंगे इलाहाबाद, उसके साथ साथ आप देखेंगे अलग अलग जगह छात्र संघों की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, कहीं बाढ़ पर, कहीं इसके अलावा आपके क्या नाम सूखे पर आंदोलन जगह जगह हो रहे हैं। कोई किस चीज़ का जवाब ये सरकार नहीं देना चाहती। माननीय अखिलेश यादव जी ने आज पैदल मार्च करके और यहाँ पर पार्टी कार्यालय तक आए हैं, क्योंकि पहले रोका गया था और सीधा पैदल चल के पूरे प्रदेश के साथ खड़े हैं, सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन हुआ। अतुल प्रधान जी, आप युवा राजनीति से जुड़े रहे हैं और तमाम मुद्दों पर बात किए हैं, तो हम फिर से संवाद करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे अतुल प्रधान जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम जो सरकार से आशा अपेक्षाएं लगाए बैठे हैं, जो मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, उससे सरकार कहीं ना कहीं उसका जवाब नहीं दे रही है। और जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, साथ ही साथ सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी कहना है कि जो सरकार से हम सवाल पूछ रहे हैं उसका उचित जवाब नहीं मिल रहा है और इतने बड़े सूबे का 5 दिन में सदन की कार्रवाई कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो तमाम समस्याएं जो सूबे की हैं उसको रख नहीं पा रहे हैं, उसको बता नहीं पा रहे हैं, वो सड़क पर कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर कहीं इस बार उनका फिर से प्रदर्शन रोक दिया गया। उन्होंने उनका साफ ये भी आरोप है कि जब हम प्रदर्शन करते हैं तो उसे रोक कर हमारी आवाज़ दबाने का प्रयास किया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी का आगे का रुख क्या होता है, क्योंकि आज का सदन की कार्रवाई को वो वॉकओवर किए हैं, इसमें वो सम्मिलित नहीं होंगे समाजवादी पार्टी के नेता। अब इस पे देखते हैं कि सरकार का रुख क्या होता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं कि अंदर विधायकों की बैठक चल रही है। अब बैठक में देखने वाली बात ये होगी कि क्या आगे की रणनीति तैयार की जा रही है और क्या आगे अब समाजवादी पार्टी का रुख जो है वो आगे का क्या होता है, क्योंकि देखें तो तमाम मुद्दों का वो जवाब मांगना चाह रही थी और मगर उसे कहीं ना कहीं उनका आरोप लगाते हुए कहा है कि इन 5 दिनों की कार्रवाई में हम अपने जो सवाल है उसका जवाब सही ढंग से नहीं पा सके। जी मयूरी जी, विवांशु, जहां एक तरफ सदन की कार्रवाई चल रही थी वहीं दूसरी तरफ सपाइयों ने वॉकआउट किया है, तो अब आप जानने की वहां कोशिश करें कि अब आगे की रूपरेखा कैसी होगी। जी बेबी, आपने हमको बताया कि ठीक दरवाज़ा है, दरवाजे के ठीक अंदर जो सब तमाम जो सपा के नेता हैं, विधायक हैं और जो तमाम पदाधिकारी हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग बैठकर आगे की रणनीति पे चर्चा कर रहे हैं कि जो उनका सरकार का घेरने का प्रयास है वो कहीं ना कहीं जो उनका आरोप है कि हम सदन के अंदर में इस पूरी बात को रख नहीं पा रहे हैं सरकार की कम समय की वजह से। और आज जब सदन की कार्रवाई से ठीक पहले आज दर्जनों विधायकों के साथ अखिलेश यादव ने जो महामहिम राज्यपाल हैं उनसे मुलाकात करके तमाम मुद्दों पर बात किया है और इसके ठीक बाद अब सदन की आखिरी दिन की कार्रवाई यानी कि 5वें दिन की कार्रवाई से ठीक पहले वो सदन से वॉकआउट हुए हैं, यानी कि जो सपा के विधायक होंगे, जो सपा के तमाम विधायक जो 111 हैं, साथ ही साथ जो 111 विधायक हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। अब आगे की अब रूपरेखा देखना है कि अंदर क्या तैयार की जाती है, जल्द ही कुछ ही समय के अंदर में इस बात की जानकारी मिल जाएगी। जी मयूरी जी, धन्यवाद वंशु तमाम जानकारियों के लिए। सपा कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया है, इस वक्त की आपको हम बड़ी खबर दिखा रहे हैं। सपा ने विधानसभा से वॉकआउट किया है, जहां एक तरफ सदन की कार्रवाई चल रही थी तो वहीं सपाइयों ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में वॉकआउट किया है। सपा कार्यकर्ता ने पैदल मार्च भी निकाला है, वहीं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, हाथ में तख्तियां लेकर विपक्ष पर हमला बोलती नजर, सरकार पर हमला बोलती विपक्ष नजर आ रही है। कि सदन चले और सदन बहुत कम दिनों के लिए चलाया गया,
जो बातें माननीय सदस्यों ने रखी उसका कोई जवाब सरकार नहीं दे पाई। आज सवाल इस बात का है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पिछले लगभग 800 दिन से छात्र धरने पर बैठे हैं और सभी विचारधारा के छात्र नौजवान वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। उधर उनकी फीस बढ़ा दी गई 500 गुना। उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी और खासकर समाजवादी पार्टी ने लगातार ये मांग की है कि किसान सूखा से बर्बाद हो रहा है और कई जगह बाढ़ से नुकसान हुआ है। सरकार ने आखिरकार क्या राहत दी है? कहने को सरकार ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन राहत किसानों को क्या दी है? जानवर बड़े पैमाने पर बीमार हैं, उनकी जान गई है, क्या सरकार मदद कर रही है उन किसानों की? सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख करके आ जाइए, सड़कें डूब गई हैं, सड़कें गड्ढे में बदल गई, लेकिन सड़कों की मरम्मत कौन करेगा? बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। जो सपने दिखाए थे नौजवानों को कि नौकरी रोजगार मिलेगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बताते हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट क्यों नहीं बताते हैं? और दूसरा इसके साथ साथ सरकार आखिरकार $1 trillion की इकोनॉमी कैसे बनाएगी अगर हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा, रोजगार नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो आप क्या सपना देख रहे हो $1 trillion इकोनॉमी का? इसलिए समाजवादी पार्टी ने और सभी दलों ने, RLD ने भी साथ मिलकर के आज वॉकआउट किया है। बड़े पैमाने पे किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, आज भी चीनी मिल किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं कर पाई हैं। स्वास्थ्य के जो सवाल किए गए थे, आज भी लोगों को स्टेशन नहीं मिल रहा, लोग एम्बुलेंस में पहुँच नहीं रही गाँव में। आखिरकार एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुँच रही गाँव में? कौन रोक रहा है एम्बुलेंस गाँव में ना जाए? किसी अस्पताल में दवाई नहीं है, PSC CSC में डॉक्टर्स नहीं हैं, इलाज कहाँ कराए गरीब जाकर के? जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ भी पर्चा तो बढ़ा दिया, 100 रुपये का कर दिया, लेकिन सुविधाएं क्या बढ़ाई हैं बता दो? डॉक्टर्स की जो कमी है उसको पूरी क्यों नहीं करें? भर्ती क्यों नहीं निकालें? भर्ती के नाम पर आउटसोर्स करें और साजिश कर करके सरकार क्या कर रही है नौकरी देने में? जो पहले संविदा में भर्ती थे वो संविदा में निकाले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज जो बना है, यूनिवर्सिटी है जो, उसमें संविदा में पिछले कई वर्षों से नौकरी कर रहे थे लोग, सरकार उनको निकाल देगी, नए नौकरी देना चाहती है। अपने मन मर्जी कंपनी को टेंडर देना, अपनी मन मर्जी के से संविदा पे रखना, ये क्या सरकार कर रही है आखिरकार? सर पैदल मार्च आपने जवाब दिया है, पहले दिन आपको अनुमति नहीं मिली थी, आज आपने पैदल नहीं नहीं आपको जानकारी होनी चाहिए ये, आप कम से कम आपको ये नहीं कहना चाहिए कि अनुमति नहीं। मान लीजिए कोई सदस्य है जो सदन जाना चाहता है, पैदल जाना चाहता है, और हमने या समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यों ने ये कहा कि पहला दिन सदन का है, हम पैदल जाएंगे सदन तक। जो सरकार ने रूट तय किया था उस रूट पर सहमति हो गई थी, आखिरकार रात में वो रूट किसने बदला, किसके दबाव पर बदला गया? तो आज क्या रणनीति तय हुई? सदन जाना और सदन आना सरकार रोक नहीं सकती। अब क्या तय हुआ? अब हमारी मांग है कि सदन का समय बढ़ाया जाए, हम कुर्सियों पे बैठ जाएंगे जाके अभी। अब सदन क्यों, अब सदन कैसे, जब सदन का वॉकआउट कर दिया है तो अब सदन में कैसे बैठेंगे? सरकार सदन का समय बढ़ाए, हम अभी बैठ जाएंगे जाकर के वहाँ। कार्यकाल पहले भी मांग की थी लेकिन सरकार ने सदन का 4 ही दिन का कार्यक्रम रखा, बजट अभी गाँव में नहीं पहुँचा, मंत्री बोलना चाहेंगे जवाब नहीं दे रहे मंत्री। आखिरकार बजट इतने दिनों बाद भी जिलों में क्यों नहीं पहुंचा? कई विभाग हैं जिनका बजट अभी जिलों में नहीं पहुंचा है। अब आगे जब सदन आएगा तब अगली रणनीति बनेगी। देखिए सरकार को जगाते हैं समय समय पर, सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार को उनका जवाब देना चाहिए। आखिरकार सूखा है, बाढ़ है, सरकार क्या राहत पहुंचा रही है? महंगाई है, उसके लिए क्या कदम उठाए हैं? रोजगार नौकरी के लिए क्या कदम उठा रहे हो? आप $1 trillion इकोनॉमी देना बनाना चाहते हो लेकिन शिक्षण संस्थाओं को बर्बाद कर दोगे आप, इन्वेस्टमेंट आया नहीं। कहते हैं उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े कारखाने लग गए हैं, किसी जिले में कारखाना लगाओ तो बता दीजिए आप। आजम खान के मुद्दे पर देखिए, ये आदरणीय आजम खान साहब को जानबूझ करके परेशान करना चाहते हैं ये लोग। पहले भी जेल उन्होंने भेजा, कोरोना में यूनिवर्सिटी में जो जो हुआ वो सबके सामने है, जानबूझ करके साजिश सरकार कर रही है।
अखिलेश जी आपने सर्वे करवाया जा रहा है, वक्फ का सर्वे करवाया जा रहा है, सरकार कह रही है कि भाई अगर नियत में खोट नहीं है तो हम सर्वे करवाएंगे, समाजवादी पार्टी का क्या रुख होगा? पहले सरकार ये कहती थी कि हम मदरसों को मॉडर्न करेंगे, उनके संस्थाओं को बेहतर करेंगे, उसके लिए बजट देंगे। सरकार ये बताए मदरसों की पढ़ाई को बेहतर करने के लिए क्या इंतजाम किया उन्होंने? और जहाँ इनको केवल मदरसे नहीं, हम तो ये दूसरी बात कहते हैं, संस्कृत के विद्यालय क्यों बंद हो रहे हैं? संस्कृत यूनिवर्सिटी को क्यों बजट नहीं दिया जा रहा है? संस्कृत के गुरुजन जो पढ़ाना चाहते हैं उनको सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? आप संस्कृत को बढ़ाइए, और मदरसों में अगर आप अच्छी पढ़ाई करा सकते हैं आप बजट दीजिए उनको भी, वो भी पढ़ाई लिखाई करें। केवल आपकी चुनाव पर नज़र है, समाज में बंटवारा रहे, जाति धर्म का झगड़ा लगा रहे, यही सरकार की मंशा है। बता दें अखिलेश यादव की सरकार से मांग है कि सदन का कार्यकाल बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि वो अपने मुद्दों को और अपनी बात को नहीं रख पाए हैं। उनकी सरकार से मांग है कि कार्यकाल बढ़ाया जाए सदन का। वहीं उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल किए हैं। बता दें सपा कार्यकर्ता ने वॉकआउट किया है, सपा ने विधानसभा से वॉकआउट किया है। सीधे हम रुक करेंगे अपने संवाददाता विभांशु का। कार कर रहे हैं मुझे पर जो है धाराशाही तरीके से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, भीड़ बढ़ा दिया कई गुना। इसके अलावा जो आजम खान साहब के ऊपर फर्जी मुकदमे रोज मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, मुकदमों की कोई श्रृंखला कब रुके? इसके अलावा जो है आज विभांशु सपा ने सदन से वॉकआउट किया है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी मैं भी उनका आपको साफ तौर पे बता दें कि अखिलेश यादव अपनी बैठक को ख़त्म करके निकल चुके हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम सरकार से सवाल पूछ रहे थे, जवाब नहीं मिल रहा था। उनका कहना ये भी है कि 5 दिन में सदन की कार्रवाई, जो सूबा सबसे बड़ा है, वहाँ तमाम समस्याएं हैं, उस पर हम सवाल 5 दिन में नहीं पूछ सकते हैं। उनका सदन की कार्रवाई बढ़ाने की मांग की गई है, और उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है तो हम अभी जाके सदन में बैठ जाएंगे। इसी क्रम में हमारे साथ बाराबंकी से विधायक सुरेश यादव जी हैं। अच्छा ये बताइए, अंदर बैठक हुई है तो आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यही है कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। ये जो तमाम महंगाई, बेरोजगारी, छात्रों के सुरक्षा पे, स्वास्थ्य पे, किसी भी चीज पे बहस से भाग रहे हैं, ये किसी भी तरह कोई बहस नहीं करना चाहते। लोकतंत्र में बहस करना संविधान का एक हमारा सबका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार भी है, और लोकतंत्र इसी में सुरक्षित भी है। वो सुनना नहीं चाहते, तो इस तरह से जब जब ये हम लोग की बातें नहीं सुनेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग इससे भी बड़े बड़े आंदोलन करने का काम करेंगे। ये बताएं कि आपकी तरफ से, आप पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 5 दिन का समय बहुत कम है, और उसमें आप लोग की तरफ से तमाम सवाल पूछे गए, आरोप लगा रहे हैं कि जवाब नहीं मिला, क्या है ये पूरी बात? 100% जब से भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार उत्तर प्रदेश बनी है, तब से आज तक किसी भी बात का, किसी भी सवाल का सही उत्तर नहीं मिला। हमारे कई विधायक यहाँ उत्तर लेके घूम रहे होंगे, सवाल भी लेके घूम रहे हैं, आप उनके पास रह जाइए। पूछा है उन्होंने कि आम का पेड़ में कौन सा फल लगता है, तो बता रहे हैं बेर हम पैदा कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल हम सबको पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोलने पूरी चरम सीमा तोड़ चुके हैं, और ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर चुके हैं। अच्छा देखा जाए, पिछली बार की सरकार से इस बार का जो विपक्ष है कहीं ना कहीं मजबूत है, 111 आपकी संख्या है, साथ में सहयोगी दल साथ है, तो कहीं ना कहीं इस बार संख्या ज़्यादा है, और निकाय चुनाव भी नज़दीक है, तो क्या तैयारी है और आगे की क्या रणनीति है? पूरी तैयारी है, हम निकाय चुनाव में देखिएगा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हमारी समाजवादी पार्टी सरकार वहाँ पर हमारे मेयर और चेयरमैन बैठेंगे जहाँ आपने कल्पना नहीं की होगी।
इस बार आप देखिएगा रिजल्ट बिल्कुल जादू की तरह आएगा निकाय चुनाव में। शुक्रिया सुरेश जी हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ बाराबंकी सदर के विधायक सुरेश यादव जी थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार तमाम सवाल पूछे हम सरकार से उसका उचित जवाब नहीं मिल रहा है। उनका ये भी कहना था कि जो 5 दिन का सदन है उसमें कहीं ना कहीं जो 403 विधायक हैं, साथ ही ये देश का सबसे बड़ा सूबा है, 24 करोड़ जनसंख्या है, तो इससे कहीं ना कहीं जो तमाम समस्याएं हैं वो हम बात नहीं कर सकते हैं, और हमारे जो विधायक हैं वो सवाल लिखकर जो अंदर जो स्पीकर सतीश महाना जी से उनका सवाल था वो अपने जेबों में सवाल लेकर घूम रहे हैं, मगर उन्हें वक्त नहीं मिल रहा है, ना उन्हें समय दिया जा रहा है कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं पे बात कर सके, साथ ही साथ प्रदेश की समस्याओं पे बात कर सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जहां अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि अगर हम 5 दिन से सदन की कार्रवाई को बढ़ाकर आगे किया जाता है तो हम जरूर फिर वापस जाके सदन में बैठ जाएंगे। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ और विधायक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर ये बताएं, आज आप लोग सदन की कार्रवाई को वॉकआउट किए हैं और समय न देने की बात कही है, क्या बात क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये सरकार जो है भाजपा सरकार मुद्दों से भाग रही है। आज प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी है, महंगाई जबरदस्त कमर तोड़ महंगाई है, और हमारे आजम खान साहब के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हमारे ख्याल से ये सरकार ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहती है फर्जी मुकदमे दर्ज करके आजम खान साहब के खिलाफ। इसके अलावा आज जो है फीस बढ़ा दी गई है 400 गुना। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, केवल उनकी मांग है कि फीस में बढ़ोतरी इतना ना किया जाए। तो तमाम मुद्दे हैं, किसानों की आज फसल की लूट हो रही है, आज किसान बर्बाद हो रहा है, किसान है बेरोजगार है, महिलाओं का जो है बलात्कार सामूहिक हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है। लखीमपुर खीरी में 2 दलित बेटियों की जो है बलात्कार सामूहिक करके उसके बाद में हत्या कर दी गई, पेड़ पे टांग दिया गया लाशों को। अभी मुरादाबाद में इससे बड़ा भारी और क्या हो सकता है कि एक नंगी लड़की जो है सड़क पे दौड़ती रही, उसके ऊपर बलात्कार उसके साथ हुआ, उसके बाद में कपड़े उतार कर वो भगा दिया गया। तो इस तरीके से ये सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, महंगाई ज़बरदस्त है, बेरोजगारी ज़बरदस्त है, और निर्दोषों के ऊपर माननीय आजम खान साहब जैसे लोगों के ऊपर फर्जी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके फर्जी मुकदमे दर्ज करके और उनको उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ जो है जब सदन में हम बात करते हैं तो सदन में बात नहीं सुनी जाती है और गलत जवाब दिया जाता है, तो ये सदन ऐसे रहने से क्या जरूरत है उस सदन में। दूसरी बात है 19 सितंबर को जिस दिन विधानसभा सत्र का पहला दिन था, माननीय नेता विरोधी दल माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो है शांतिपूर्वक तरीके से पहले बताकर कार्यालय से जो है पैदल जा रहे थे सदन के लिए, उस दिन रोक दिया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई। तो ये सरकार जो है अब इसके सरकार के खिलाफ सदन में अगर नहीं बोलने दे रहे हैं तो फिर सड़क पे आर पार की लड़ाई होगी। अच्छा विधायक जी, आपके सहयोगी विधायक आपके साथी विधायक सुरेश यादव जी का कहना है कि विधायक अपनी जेब में सवाल लेके घूम रहे हैं, और उनका कहना था कि 5 दिन का सदन की कार्रवाई से जहां देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा विधायक सांसद यहाँ आते हैं, साथ ही सबसे ज्यादा जनता भी है 24 करोड़, तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि आप लोग सवाल लेके जेबों में घूम रहे हैं? बिल्कुल, ये सरकार जो है सदन, पहले भी हम लोगों की सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जी थे, नेता जी थे, तो सदन 1.5 महीना तक चलता था और 4 दिन के अंदर सदन चलाया गया और उसमें भी पहले दिन जाने नहीं दिया गया। तो इस तरीके से ये सरकार जो है मुद्दों से भाग रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, सदन आहूत करती है तो 2-4 दिन के लिए करती है, इसलिए अब विपक्ष के पास सड़क पर लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है, और हम लोग सड़क पे आर पार की लड़ाई लड़ा जाएगा और इस सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया जाएगा। अच्छा आगे की क्या तैयारी होगी? तैयारी तो आगे का समय आगे बताएगा, अभी जिन मुद्दों को लेकर के आज ये इतना बड़ा जो बहिष्कार हुआ और पदयात्रा करते हुए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और उनके साथ सभी सम्मानित सपा और लोकदल के विधायक और भी सहयोगी विधायक जो साथ में चल कर आए, उसमें मुद्दा था किसानों का, मुद्दा था नौजवानों का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर कितने दिनों से छात्र फीस वृद्धि के विरोध में, वहाँ जात धर्म मजहब की बात नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है कि आप लोग सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब नहीं मिल रहा है। जवाब की स्थिति यह है कि सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है, पूरी तरह से गुमराह सदन को किया जा रहा है, प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। ये छात्र विरोधी सरकार है,
जन विरोधी सरकार है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार, नारी और महिला विरोधी सरकार है, पूरी तरह से किसानों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है, नारियों के सरेआम माँ बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब बहुत ज़्यादा दबाव बनता है तो उनको गिरफ्तार किया जा लिया जाता है, तो दो घंटे बाद छोड़ भी दिया जाता है। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया है कि इतने बड़े सूबे में 5 दिन की जो सदन है वो समय कम पड़ रहा है सवाल पूछने के लिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? सदन के सहमत है कि सदन लंबा चलना चाहिए, प्रदेश की समस्याएं सदन सवाल के माध्यम से शासन तक पहुंचती हैं, लेकिन जनता को सवाल को झेलने के लिए सरकार के पास हिम्मत नहीं है। जनता सरकार जो है विपक्ष के सवालों को लेकर के भाग रही है, जनता से के मुद्दों से भाग रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने इस तरह का बहिष्कार किया। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ आपने देखा कि युवा बुजुर्ग और वरिष्ठ कई विधायक थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि समय कम मिल रहा है सदन के अंदर में, साथ ही जो हमने सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जो प्रदेश की तत्काल में जो स्थिति है उस पर हम बात कर रहे हैं, तमाम उन्होंने घटनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आगे की अभी लड़ाई जारी रहेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर पक्ष सरकार का क्या कहना है। जी मयूरी, धन्यवाद विवांशु हमसे जुड़ने के लिए। सपा कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम योगी ने सर्वेक्षण किया है, आइए आपको दिखाते हैं। सीएम योगी का हवाई सर्वेक्षण जारी है, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी कर रहे हैं। सरयू नदी से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं सीएम योगी। बता दें सीएम योगी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सरयू नदी से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं सीएम योगी। सीएम योगी का हवाई सर्वेक्षण जारी है, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सरयू नदी से बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।